नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुख होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 26 दिसंबर आज है पूनम। साल की सबसे बड़ी पूनम होती है, मार्ग शीर्ष महीना की ये पूनम। शुरुआत हो रही है सुबह 5:45 से, जो दूसरे दिन 6:02 तक चलने वाली है। आज के दिन आप तमाम जो व्रत उपवास कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आज के दिन आप व्रत उपवास कर सकते हैं, तमाम चीजों का दान पुण्य कर सकते हैं, घर में कथा वार्ता सुन सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का पूनम के दिन बड़ा महत्व है, जरूर सुनो। ये पूनम सबसे बड़ी पूनम इसलिए भी कही जाती है क्योंकि मार्ग शीर्ष महीना, भगवान कृष्ण ने खुद भगवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं। ये महीना भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस महीने आप जितना ज्यादा भगवान नारायण की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, आपके जीवन से तमाम दुख जाते रहेंगे, खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी, घर में धन दौलत का अटंब लगता रहेगा। पूनम का दिन मतलब भगवान विष्णु का दिन, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पूनम का दिन माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। जिन घरों में, आप नोटिस करना इस चीज को, जिन घरों में पूनम के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, वो घर में कभी गरीबी नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु धर्म के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है। जहां धर्म है वहां धन है, जहां भगवान विष्णु है वहां माता लक्ष्मी हमेशा आती है और रहती है। अगर आपने अपने घर में भगवान विष्णु की स्थापना करके रखी है तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में आती ही आती हैं। तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। पूनम का दिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पूनम के दिन माता लक्ष्मी सुबह 10 बजे पीपल के पेड़ पर आती ही आती हैं। हर भगवान का पीपल के दिन सारे ही देवी देवता आते हैं और सबका एक अलग अलग समय है। सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं पीपल के पेड़, मतलब सभी आते हैं वन आफ्टर अनदर, सब आते हैं। अब हम उस विषय पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो सुबह 10 बजे का समय है ये माता लक्ष्मी का समय है, है ना। जो ही चाहते हैं हमारे घर में गरीबी ना रहे, गरीबी को जड़ से हटा देना चाहते हैं, आज 10 बजे छोटा सा काम करें। एक कटोरी में, कटोरी आपको स्टील की लेनी है या लोहे की लेनी है, उसमें आपको दूध डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। उस दूध को ले जाकर के पीपल के पेड़ पर ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र को बोल करके आप चढ़ाते हैं। जब आप घर से निकलते हैं उस समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, जब आप लौट करके, जब आप दूध चढ़ा देते हैं उसके बाद जब लौट कर आप अपने घर में जाते हैं उस समय भी आपको किसी से बात नहीं करनी है। और आपको ये मन ही मन सोचना है कि माता लक्ष्मी अब आपके साथ आपके घर में विराजमान हो रही हैं, आपके घर में आ रही हैं। घर में जाते के साथ एक घी का दीपक पूजा स्थान में अवश्य ही जला दें। जो दीपक है वो आपको चावल के ऊपर रख करके जलाना है। जो लक्ष्मी दीपक है दोस्तों वो हमेशा चावल के ऊपर रख करके ही जलाया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर घर से गरीबी को दूर करना है तो पाइराइट अपने घर में जरूर मंगवाएं और रखें। और इस साल जरकन की अंगूठी बहुत ही जबरदस्त फलदायी होगी, लाभदायी होगी। 8 का अंक जिनका भी है बिना भूले नीलमणि पहन ले, और जो एक अंक मैंने आपको बताया 8 8 8 10 6 जरूर, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाओ, वीडियो को सर्च करो, इस साल का सबसे लकी नंबर, इस लकी नंबर को लिखो, नीलमणि पहनो और जरकन की अंगूठी इस बार जरूर आप लोग ऑर्डर करें और उसको मंगवाएं और इस साल आप धारण कर लें, धन का ढेर लगेगा। और आज के दिन बिना भूले छोटा सा काम जो मैंने आपको बताया है जरूर जरूर करें।
जो लोग कर सकते हैं आज के दिन से शुरुआत करें और कंटिन्यू 16 दिनों तक करें, रिजल्ट ना आए तब आपके करके देखें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। जय श्री कृष्ण।